अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सबाना नाज़रीन हूँ, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रांसप्लांट फिजिशियन जर्मिनटन हॉस्पिटल में। अगर एक बार डायलिसिस स्टार्ट हो गया तो क्या मुझे उसी पर रहना पड़ेगा? अक्सर पेशेंट्स को डाउट आता है कि क्या क्रॉनिक किडनी डिसीज यानी कि किडनी की दाइमी बीमारी में उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ डायलिसिस है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्रॉनिक किडनी डिसीज यानी कि किडनी की दाइमी बीमारी में 5 स्टेजेस होते हैं, तो हम लोग अक्सर पेशेंट्स को मेडिकली मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अगर जहाँ पर स्टेज 5 में, फिर वहाँ पर भी दो तरह के होते हैं, जहाँ पर आपको सूजन और क्रिएटिनिन ज़्यादा है, 5 से भी ज़्यादा है, या आपका किडनी का फंक्शनिंग लेस देन 15 है, 15 से भी कम है, मगर आपको कुछ सिम्टम्स नहीं है, तो तब भी हम लोग वेट करते हैं, तब भी डायलिसिस के लिए नहीं बोलते। मगर अगर जहाँ पर आपका किडनी का फंक्शनिंग 15 से भी कम है लेकिन आपको सिम्टम्स है, जैसे कि दम चढ़ना, पैरों में सूजन, पेशाब कम आना, ये अगर भूख कम लगना, उल्टी ज़्यादा होना, तो तब जाके बोलते हैं कि पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत है। तो इस हर किडनी के पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत नहीं होती और डायलिसिस ही उसका ट्रीटमेंट नहीं है। थैंक यू।